गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले सभी देवगणों को मेरे प्यार भरो नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। मैं पूजा भंडारी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पूजा नरेन ब्लॉग में। तो फिर करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत नई सुबह के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो देखते हैं आज दिन भर में क्या क्या हो पाता है। तो फिर करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स, हम आज बना रहे हैं साउथ इंडियन फूड्स और जिसका नाम है डोसा। तो दिखाऊंगी मैं आपको कैसे बनाएंगे हम आज इसको। हमने एक ट्राई के लिए बनाया था, बनता है या नहीं। तो ये बन चुका है और ये इसका डो है, ये अलग है। ये हमने अलग सा मतलब इसी में से निकाल के इसमें डाल रखा है ताकि अगर पतला करने का होगा तो इसमें हम पानी डालेंगे, और अगर ज़्यादा पतला हो गया तो इसे हम इसमें मिला देंगे। और यहाँ पे है ये बॉयल आलू आलू और ये है दो प्याज, इससे बनेगी सब्जी। और ये है तवा। तो फिर दिखाते हैं आपको कैसे बनता है ये। तो ये हमने प्याज और लहसुन वो कर लिया, काट लिया बारीक से। और यहाँ पे थे जो बॉयल आलू, उसको वो कर लिया। और फिर यहाँ पे है इमली, भिगोने के लिए रख दी गर्म पानी में। और ये चटनी के लिए तड़का। और यहाँ पे हो गई है चटनी तैयार। अब इस तड़के को डालेंगे इसमें। हो गई है चटनी तैयार। तो गाइस, हम डाल रहे हैं गोबर खेत में और दिखाऊंगी मैं आपको कैसे डालेंगे हम। अभी हमने बीज नहीं बोया, पहले गोबर डालेंगे फिर कल परसों बोएंगे बीज। तो गाइस, हमने डाल दिया है ये पूरा गोबर, पूरे खेत में हो चुका है।
इतना सा बच रखा है, ये कच्चा कच्चा होल था, इसको हम बाद में यहाँ पे डालेंगे, जो इतनी जगह छूट रखी उसमें डालेंगे हम इसको। और ये वाला बहुत बारीक है, इसको हम क्यारियों पे ले जाएंगे। और हमारे हाथों में लग चुकी है मेहंदी। तो फिर इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आई होप आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक खूबसूरत से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।